अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं, तो अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। हम फिलहाल अहमदाबाद के सरदार नगर में, और यहाँ पर जो तैयारी हो रही है, जिस तरह से हिंदुओं में सावन महीने का महत्व होता है, इसमें 40 यानी 40 दिन का जो महत्व है, हम एक झूलेलाल मंदिर है यानी जो उसकी तैयारी ये सब वगैरह जो है वहाँ हो रही है, क्योंकि रविवार से इसकी इस मंदिर में 40 की शुरुआत होगी। मंदिर को किस तरह सजाया गया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनके भक्तिगण जो ट्रस्टीगण हैं वो हैं। अब कहा जाता है कि पानी और जल की पूजा यानी झूलेलाल जो महाराज हैं उस मंदिर को विधिवत तौर पे यहाँ सजाया जाता है, बहुत महत्व होता है सिंधी समाज में। हमारे साथ लाल भाई पंजवानी हैं, मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनसे बात करेंगे। लाल भाई, किस तरह से ये पूरा आयोजन होने वाला है जो 40 आप लोगों का, क्या महत्व है इसका, धार्मिक महत्व? सबको पू झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जय झूलेलाल। ये भगवान श्री झूलेलाल साई का 40 साहिबे का उपवास होते, इसमें 40 दिन के एकासना करते हैं हम दिन, एक टाइम खाने का होता है, और भगवान झूलेलाल साई की अखो साहेब, आरती साहेब और पलव साहेब और भजन कीर्तन 40 दिन करते हैं सुबह और शाम। और इसके अंदर हम भगवान साई झूलेलाल की एक देगरी बनाते हैं, वो घर में देगरी बना के वो दरिया शाह में परवान करते, नदी में परवान करते, साबरमती नदी में। वो देगरी को हम इस तरह बनाते हैं कि लाल साई की जो देगरी बनाने की रीत है उसके अंदर थोड़ा पानी डालते हैं पहले, उसके थोड़ा तेल डालते हैं, उसके बाद चावल डालते हैं, हल्दी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, एक लवंग, एक इलायची, उसको देगरी को बंद करके चारों तरफ आटा लगा के और उसको गैस के ऊपर या सिगरी के ऊपर पकाने के लिए रख देते हैं। जब तक वो पक जाए 5-10-15 मिनट तक उसको खोलते नहीं हैं, वो सीधी देगरी लेके वो दरिया शाह में परवान करते, जाके दरिया शाह में नदी के अंदर पानी के अंदर ही खोलते हैं। क्यों? उसके अंदर जो भावनाएं होती है, श्रद्धा होती है, वो साईं हम झूलेलाल को कुछ भी अर्पण करते हैं, और वो देगरी जो में जो भी जब होता है अंदर चावल, हल्दी, शक्कर, लविंग, इलायची, जो भी होता है, जो अंदर दरिया शाह के अंदर नदी के अंदर जीव जंतु होते हैं वो खा के खुश होते हैं। और दूसरी बात सबसे बताऊं, भगवान श्री झूलेलाल साईं के 40 साहिबे का शुभ आरंभ 24/7/2022 रविवार के दिन, और उसकी पूर्णाहुति तारीख है 2/9/2022 शुक्रवार के दिन सुबह 9 होगी। जय झूलेलाल। हमारे साथ दूसरे हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे, क्या कहें, कैसा उत्साह है इस 40 को लेकर? जय झूलेलाल जी, ये जो उत्सव होता है हमारा श्रावण महीने से शुरू होता है और भादरा महीने में पूरा होता है, और सभी भाइयों बहनों उत्साह से ये मनाते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आप सिंधी समाज में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है 40 का, कैसा उत्साह है और कैसी तैयारी है आप लोगों मंदिर में? तैयारी तो बहुत बड़ी होती है, 40 का जो उपवास होता है हमारा मंदिर में श्रृंगार होता है, लाल साईं का जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन लाल साईं का अभिषेक करते हैं, और फिर हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, प्रसादी बांटते हैं, और सब नगरवासी को बोलते हैं ये चालिया सब आप खुशी से बड़े उल्लास से सब रखो ये चालिया, और ये फल देने वाला हमारा चालिया होता है और सबको इच्छा पूर्ण करने वाला होता है। जो भी लोग आते हैं सबकी इच्छाएं यहाँ पे पूरी होती है, और नित्य नेम 8:15 आरती, रात को 9:30 आरती, और इसके बाद में हाथ प्रसादी चलती रहती है, और पूरे दिन सब लोग आते हैं चालीये साहब का महोत्सव में आनंद लेते हैं। जय झूलेलाल बेरा पार। दूसरे भी हमारे पास हैं, अब हमसे भी बात करें, क्या कहेंगे जिस तरह से ये पूरा उत्सव होता है 40 दिन का, कैसे, कितना उत्साह? आयो लाल कयो झूलेलाल, हम ये कहेंगे 40 साहब का हमेशा उपास आवे। हम 45 साल से मैं रखता हूँ, हर सब जने को खुशी होती है 40 साहब की, और हमेशा ये रहे झूलेलाल की हमारे ऊपर सर पे ऊपर हाथ रहना चाहिए, जो 40 है वो हमेशा आता रहे, और जय झूलेलाल। आयो लाल कहो झूलेलाल, बोलो पल्ले वाले की जय, बोलो 40 साहब की जय।
ये मंदिर में खास करके क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है? 24/7 को भगवान श्री झूलेलाल साईं का चालीसा चालू होगा। सुबह भगवान झूलेलाल साईं के हाजरा हजूर, जो सिंधियों के भगवान हैं, उनका हाजरा हजूर साईं का मूर्ति अभिषेक होगा। उसके बाद 9 बजे वो झूलेलाल मंदिर में ध्वजा चढ़ाई जाएगी संतों महात्मा और संगत के साथ। उसके बाद हवन यज्ञ होगा। हवन यज्ञ के बाद हम चालीसे का उपवास जो रखते हैं वो नाराशरी कलाई में बांधते हैं, और कलाई में नाराशरी बांध के वहाँ से चालीस साहिब का आरंभ हो जाता है, और उसके बाद प्रसादी और भंडारा का आयोजन किया जाता है। सुबह 8:30 बजे 40 दिन आरती होगी और भजन कीर्तन होगा, और रात को 9:30 बजे आरती साहिब, अखो साहिब और पलो साहिब और भजन कीर्तन होते हैं। ये 40 दिन तक चलता है। 40 दिन के दरमियान 3 दिन का मेला भराता है, जो मेला 30/8/2022 से आरंभ होता है और 31 अगस्त 2022 को, 1/9/2022 को और 2/9/2022 तक चलता है। 31 तारीख को भगत साहिब होती है, जैसे भगत कंवरराम साहब ने भगत किया हुआ है, वो अमर शहीद संत कंवरराम की वो परंपरा आज भी चलती आती है सिंधी समाज में। तो पहले दिन भू झूलेलाल मंदिर के अंदर भगत साहिब का आयोजन किया जाता है, और दूसरे दिन एक सिंधी कल्चर भगवान झूलेलाल के ऊपर ही एक सिंधी नाटक का आयोजन भी किया गया है, और तीसरे दिन 1/9 को वो माता रानी की चौकी का आयोजन किया हुआ है। ये सब जो प्रोग्राम है रात को 11 बजे आरंभ होते हैं और रात को 1-1.5 बजे तक चलते हैं, और हजारों की संख्या में संगत आती है। 2/9 को सुबह बराबर भगवान झूलेलाल की शहनशाही मटकी की सरगस निकली है, जिसमें हजारों लोग जुड़ते हैं, साधु संत आते हैं, ब्राह्मण श्री आते हैं, जिसमें जगन्नाथ मंदिर के महंत श्री दिलीप दास भी आते हैं, यहाँ के MLA, कॉरपोरेटर, गुजरात गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी यहाँ पे आते हैं, और सिंधी समाज के पत्रकार और गुजरात न्यूज और इलेक्ट्रिक मीडिया जो भी है, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रेस मीडिया, सब ये चालीस साहिब के आयोजन में आते हैं और सेवा भाव से आते हैं। ये जब भी आते हैं हमेशा सेवा और सद्भाव से आते हैं, और 2/9 को 11 बजे एक आम भंडारा रखा जाता है, जिसमें कम से कम 25,000 से 30,000 लोग वो भंडारे का प्रसादी का खाके भगवान झूलेलाल का गुण गाते हैं और अपना पेट भरते हैं। जय झूलेलाल। हमारे साथ दूसरे भी एक श्रद्धालु हैं सर, क्या कहेंगे? किस तरह से, कितना उत्साह है आप लोगों में, जिस तरह से सही है हमारे जो सिंधी समाज के जो भी शहर में झूलेलाल के जो मंदिर है वहाँ पे ये चालीस साहिब का मेला रखा जाता है, और अपनी सेवा से सब सिंधी समाज के लोग अपने अपने हिसाब से सेवा करते हैं, और मौज मस्ती में आयो लाल सवई जाओ झूलेलाल। तो स्वाभाविक है, जिस तरह से सिंधी समाज में चालीसा का आयोजन किया गया, 40 दिन तक कठोर व्रत और उसके बाद पूरा शोभा यात्रा का आयोजन, अनेक मंदिर होंगे लेकिन अहमदाबाद शहर में सबसे बड़ा मंदिर यही माना जाता है, और यहाँ से पूरा जो कार्यक्रम है उसका आयोजन होगा, यानी सिंधी समाज में इस त्यौहार को लेकर खूब उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें साथ, और जो आप हमारे फेसबुक के दर्शक हैं तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कैमरा पर्सन मुकेश परी के साथ अनिल पटेल, पंचायत TV अहमदाबाद। घर विहोणा ने आवास विकास साथे जन सेवानो मक्कम निर्धार आपनु अहमदाबाद। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा विकास ने अवरोधी झूपड़पट्टी दूर थाय, अहमदाबादनी प्रगति वधु तेज थाय ते हेतुने ध्याने राखी अभूतपूर्व निर्णय लेवामां आव्यो। AMC स्टेन्डिंग कमिटीना चेरमेन श्री हितेशभाई बारोट द्वारा जनसेवा अने विकास बन्ने सिद्ध थाय ते माटे झूपड़पट्टीनी जग्याए घर मळी रहे, तेओना रहेवानी वैकल्पिक व्यवस्था त्वरित उभी करी शकाय,
તે અનુસંધાને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। એએમસીના હદ વિસ્તારમાં ટીપી સ્કીમ અંતર્ગત મળતા પ્લોટ પૈકી ગરીબ આવાસ યોજનાના પ્લોટમાં મકાનો બનાવવામાં આવે છે। 28 ચોરસ મીટરના આ મકાનો વિવિધ સુવિધાથી પરિપૂર્ણ હોય છે। શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં 23,000થી વધુ આવાસોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, તેમજ નવા મકાનોની નિર્માણ પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે। પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત નવ નિર્માણ પામનાર અને જેનો ડ્રો નથી થયો તેવી આવાસ યોજનામાં 10%થી 20% સુધીના આવાસોને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના નાગરિકો માટે ખાલી રાખવામાં આવશે, જેથી તેઓની સ્થળાંતરની પ્રક્રિયામાં અગવડતા નહીં ઉદ્ભવે, વિકાસની ગતિમાં ઝૂંપડાને કારણે અડચણો ઊભી નહીં થાય, તેમજ કાર્યમાં થતા વિલંબને કારણે વધતા ખર્ચને પણ અટકાવી શકાય। ઘરના ઘર સાથે વિકાસનો નિર્ધાર કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન।